Assalamualaikum, वेलकम टू सबका उस्ताद डॉट कॉम। HTML के सेकेंड क्लास में आपको खुश आमदीद। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ HTML का सिंटैक्स देखा और उसके बारे में देखा कि उसमें हम टेक्स्ट किस तरह से शो करते हैं वेब पेजेस के अंदर, और उसके अंदर हमने टाइटल देखा। उसके अंदर हमने नोट पैड यूज़ किया था और नोट पैड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम HTML को स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमने HTML का इंट्रोडक्शन देखा था। इस क्लास में हम नोट पैड की जगह एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, मतलब नोट पैड का एक नेक्स्ट वर्जन है, मतलब नोट पैड प्लस प्लस है, मैं उसको यूज़ करूँगा। उसके यूज़ करने की जो रीज़न है मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा जब मैं उसे यूज़ करूँगा। चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है सबका उस्ताद, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। सर्च बॉक्स में सिंपली आकर यूट्यूब में आप इसे सर्च कर सकते हैं सबका उस्ताद, तो आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं ट्यूटोरियल की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपली गूगल पर आऊँगा और यहाँ पर नोट पैड प्लस प्लस को सर्च करूँगा, और इस नोट पैड को हम सिंपली यूज़ करेंगे इसके अंदर। आपने सिंपली इसको गूगल से डाउनलोड करना है, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, आप उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आके आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, अगर आप इस साइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सिस्टम सिलेक्ट करना है, मतलब 32-bit यूज़ कर रहे हैं या 64-bit यूज़ कर रहे हैं, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ, आपने जस्ट माय कंप्यूटर पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने सिस्टम टाइप लिखी हुई है। मेरे सामने 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो रहा है। मैं 32-bit की अपना वेरियन इसका डाउनलोड करूँगा जो 32-bit पर चल सके। सिंपली मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। सिंपली मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और इसे डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको सिंपली इंस्टॉल करना है जिस तरह हम कॉमन सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं। नोट पैड प्लस प्लस एक न्यू वर्जन है नोट पैड का। यहाँ पर हमें काफ़ी लैंग्वेजेस पर काम, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा अपडेट कर लिया है। इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिवेलपमेंट की लैंग्वेजेस भी इसमें वर्किंग है। देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा और यहाँ से मैंने इसको यस किया। सिंपल जिस तरह कॉमन सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। जस्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल। यहाँ से मैं जस्ट रन नोट पैड को चेक रहने दूँगा और फिनिश करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये इसके कुछ हमारे सामने लिखे पड़े हैं कि ये किन प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, और अपडेट वर्जन कौन सा इसका चल रहा है। मैं इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा और इसको रिमूव करूँगा। जस्ट बैक स्पेस से मैंने इसको क्लियर किया और ये मेरे सामने शो है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि HTML का हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो किस तरह से होता है। मैं फर्स्ट आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से इसके बारे में कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। हमारे सामने HTML हम लिखते थे, उसके बाद हम हेड बनाते थे, हेड का टैग ओपन, हेड क्लोज, और उसके बाद हमारे पास होता था बॉडी। बॉडी का टैग हमने ओपन किया एंड जस्ट बॉडी का टैग मैंने क्लोज़ किया। तो आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, नोट पैड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये अगर कोई टैग लिखता हूँ, अब हमारे पास हेड के अंदर होता है टाइटल, तो यहाँ पर आप देखिए मैं अगर टाइटल का टैग यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, टाइटल ओपन, तो जस्ट मैं इधर बैक स्लैश डालूँगा और यहाँ पर इधर मैंने बैक स्लैश डाला और आप देख सकते हैं, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली उसने टाइटल मेरे सामने शो कर दिया है। मतलब ये एक्सेस करता है, ऑटोमेटिकली हमें शो करता है, यहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। कोड HTML की कोडिंग लिखने में हमें आसानी होती है, और इसके काफ़ी और फीचर्स हैं, हम आगे देखेंगे इसे।
टाइटल मैंने लिखा, टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ सेकंड क्लास ऑफ एचटीएमएल, और इसके बाद हेड हो गया, और बॉडी के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं या पिक्चर्स या जो भी हमें डिफाइन करना होता है। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट देखा था, तो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ इसको वेलकम टू सबका उस्ताद। मैं कंट्रोल एस करूँगा, अपनी फाइल को सेव करूँगा। सो इसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसे सेव एस कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सेकंड HTML लिखता हूँ और .html, सही है। तो मैंने इसको जस्ट सेव किया, और उसके बाद मिनिमाइज़ करूँगा, डेस्कटॉप पर आऊँगा, ये ऑटोमेटिकली इसको जस्ट ओपन करूँगा, मैं इसे ओपन हो चुका है। इसको ऐड जो है मैं इसे क्लोज करता हूँ, देख सकते हैं आपके सामने टेक्स्ट शो हो रहा है, और हमने जो टाइटल दिया था हेड में वो हमारे सामने ऊपर है, आप देख सकते हैं सेकंड क्लास ऑफ HTML। सो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि साइज़ डिफ़ाइन करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट का। टेक्स्ट लिखने का हमारे पास मेथड होता है, किस तरह से हम टेक्स्ट लिखते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होते हैं, कुछ टैग्स यूज़ होते हैं। उस टैग का नाम है H1 ओपन, H1 मैंने क्लोज़ किया। इस तरह इसकी डिफरेंट मतलब साइज़ हैं टेक्स्ट के, किस साइज़ में हम लिखना चाहते हैं। H1 हमारे पास फर्स्ट साइज़ है, मतलब सबसे ग्रेटर साइज़ है, कि कितना हम साइज़ रखना चाहते हैं। तो मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ, जैसे मैं इधर लिखता हूँ वेलकम टू सबका उस्ताद मैंने लिखा, और यहाँ से मैं जस्ट इसे कॉपी करूँगा, और मैंने इसे कॉपी किया कंट्रोल सी, और जस्ट नीचे आकर मैं पेस्ट करूँगा और दोबारा पेस्ट करूँगा, ये मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर आके मैंने H1 को H2 लिखा, सेकंड पे H2 ओपन, H2 क्लोज, और ये थर्ड पे मेरे पास H3 ओपन एंड H3 क्लोज, और ये इसे कर दूँगा H4 एंड H4 क्लोज। कंट्रोल एस करूँगा और ब्राउज़र में आऊँगा, जो फाइल मैंने ओपन की है, जस्ट इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, और रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने जो टेक्स्ट है डिफरेंट साइज़ में शो हो चुका है। सो ये मैंने H4 की है, आप इसके अलावा H5 H6 को भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास टेक्स्ट को डिफरेंट साइज़ में किस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, एक और मतलब प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी होती हैं, अगर हम टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट में लाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से किया जाए। उसके लिए जो हमारे पास ओपन टैग होता है, इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं। लाइक एज मैं डिफ़ाइन करता हूँ अलाइन की प्रॉप इज़ इक्वल टू, मैं इसे सेंटर करूँगा, जिससे हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। सो मैं जस्ट अपने ब्राउज़र में आऊँगा, अपने पेज को रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। सो इसी तरह से हम जिस साइज़ के टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, जस्ट ये प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे, और ऑटोमेटिकली हमारे सामने टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अलाइन इज इक्वल टू मैंने सेंटर किया, तो ये मेरे सामने, कंट्रोल एस करूँगा, और टेक्स्ट मेरे पास सामने सेंटर में आ चुका है। सो इस तरह आप तमाम को सेंटर में ला सकते हैं। H3 में आता हूँ, इसको मैं सेंटर में अप्लाई करता हूँ, जस्ट मैंने A लिखा, आप देख सकते हैं हमारे सामने कितनी प्रॉपर्टीज़ शो हो चुके हैं। सो ये Notepad++ का एक फ़ीचर है, जिससे हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। Notepad में हमारे सामने ये फ़ीचर नहीं था, इसलिए मैं Notepad++ को यूज़ कर रहा हूँ। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास HTML की क्या है। जो नेक्स्ट टैग मैं आपके सामने डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, वो मेरे पास है लिस्ट का, कि हम लिस्ट किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं HTML में। सो हमारे पास जो लिस्ट होती है वो टू टाइप्स की होती हैं। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट, और सेकंडली अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट हमारे सामने शो होती है लाइक एज नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर हमारे पास नंबर्स शो नहीं होते। सो किस तरह से हमने डिफ़ाइन करते हैं लिस्ट को, तो लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग होता है वो ol ओपन ol क्लोज, जस्ट ओ मतलब ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने यूज़ किया। तो मतलब किस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट, सो ol ओपन ol क्लोज, और इसके अंदर हम टेक्स्ट जो भी लिखेंगे उसको लिखेंगे li ओपन li क्लोज। ये हमारे पास टैग है कंप्लीट लिस्ट डिफाइन करने का। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा, मतलब लिस्ट में मैंने लिख लिया पाकिस्तान, इसे जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी मैंने किया, और इसे मैं कंट्रोल वी करूँगा। यहाँ पर मैंने इसका नेम चेंज किया, और यहाँ पर मैं कोई और कंट्री डिफाइन करूँगा, इंडिया मैंने लिखा,
और मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है, सो मैं इसे सिंपली पेस्ट करूँगा यहाँ पर। और कुछ भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब शो करने का ये है कि लिस्ट किस तरह से हम बनाते हैं। सो कंट्रोल एस करूँगा और सिंपली अपने ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने लिस्ट शो हो चुकी है। ये देखें, ये नंबर ऑर्डर लिस्ट है, मतलब इसके साथ नंबर्स शो हो रहे हैं। सो अब देखते हैं कि हम अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। सो सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी मैंने किया और नीचे आऊँगा और इसे यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा। जस्ट मैंने करना ये है ओ एल की जगह यू एल कर देना है, यू एल ओपन यू एल क्लोज मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा। देख सकते हैं ये हमारे सामने अनऑर्डर लिस्ट है। सो हमने देखा कि हम किस तरह से लिस्ट्स को डिफाइन करते हैं HTML में, और उससे पहले हमने देखा कि टेक्स्ट को किस तरह से हम लिखते हैं, मतलब टेक्स्ट के डिफरेंट साइज़ होते हैं, और उसके अलावा टेक्स्ट को सेंटर में किस तरह से लाया जाता है। सो आई थिंक सो कि इट विल बी इनफ, आज के लेक्चर के लिए यही काफ़ी होगा। सो नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कंप्लीट कोर्सेज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो आज तक के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।